हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं त्रिश किचन और मैं हूँ त्रिशा। आज मैं आपको घर में बहुत ही इजीली और बहुत कम इंग्रेडिएंट से चॉकलेट पुडिंग बनाकर दिखाऊंगी। ये आप फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं आराम से 3-4 डेज तक, ये अच्छा रहेगा। आपको जब मन हो इसको निकाल कर खा सकते हैं, या गेस्ट आने वाले हैं तो एक दिन पहले आप इसको बनाकर रख दीजिए और जब आपके गेस्ट आ जाए तो एकदम ठंडा ठंडा सा पुडिंग आप सर्व कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सॉस पेन में मैंने मिल्क 1 कप ले लिया है। इसमें शुगर 1/2 कप डालूंगी और 1/4 कप कोको पाउडर और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डालूंगी इसमें, और इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम डालूंगी। डालकर इसमें फिर मैं एसेंस मिलाऊंगी, वेनिला एसेंस और चॉकलेट एसेंस। चॉकलेट एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें डार्क चॉकलेट्स ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्ब्स बहुत ही ईजिली हो जाता है तो हमको धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। जैसे थोड़े से बबल्स निकलने लगे इसको बंद करके थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है। फिर इसको आप डायरेक्टली सर्विंग बोल में डाल सकते हैं या फिर एक बिग बोल में भी डालकर रख सकते हैं। आप वहाँ से भी सर्व कर सकते हैं। विथ लीड सर्विंग बोल में आप डालकर रखिए इसको। मेरे पास जो मैंने इसमें स्मॉल ग्लासेस में डाला है, इसमें लीड्स नहीं है तो एल्युमिनियम फॉइल से मैं इसको कवर कर दूंगी। इसको फ्रिज में रख देंगे, 2-3 आवर्स में ये अच्छे से एकदम जम जाएगा। तो देखिए कितना थिक हो गया है ये, और इसको आप आराम से फ्रिज में भी रख सकते हैं, 3-4 डेज भी आराम से रह जाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर देकर इसको गार्निश कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।